स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी? जीओसी के अंदर अपना बेटा ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज योर रिएक्टिव इंटरमीडिएट। इसमें हम कार्बोकेटाइन, जो कि अपना फर्स्ट टॉपिक था, वो पूरा कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्बेनाइन। ओके, चलिए। जैसे कि यहां पर भी कार्बोकेटाइन में हमने क्या पढ़ा था बेटे, कार्बोकेटाइन कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, यहां ये इसका उल्टा है, कार्बेनाइन। ठीक है, तो यहां पर कार्बन पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज है। तो जहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बन पर चार्ज क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए, उसको क्या बोल देंगे? कार्बेनाइन बोल देंगे। ओके, लेट अस डिस्कस द केस ऑफ दिस। सिंपलेस्ट इज व्हाट? मिथाइल कार्बेनाइन। वही एक क्वेश्चन करेंगे हम, इसकी फॉर्मेशन कैसे करेंगे भाई? ये इस तरह बना होगा ना, यदि यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज कैसे आया होगा? जब यहां पर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक्स क्या है? कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। कैसे शो करेंगे? इस तरह हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? कार्बन के पास। दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन है। इस तरह हम सिंपल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। या कैसे बेटे, यहां कोई भाई ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन के साथ, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अब क्या हो सकता है कि कोई बेस यहां से आए, ये किस पर अटैक कर देगा? हाइड्रोजन पर। इसके पास क्या है चार्ज? नेगेटिव। यहां से क्या छीन लेगा? एच पॉजिटिव। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो ये भी क्या बन गया बेटे? कार्बेनाइन बन गया। तो इस तरह कार्बेनाइन बन सकता है। तो सिंपली व्हाट? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से बनेगा, ये तो श्योर है ना। तो CH3 नेगेटिव को कैसे शो करेंगे हम? कार्बन ये था, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, ठीक है। ओके, अब यहां पर मान लो कोई H है, हेयर एक एच वन इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने CH4 ही लिख दिया एक तरह से, यू मान लो। ओके, अब यहां से क्या निकाल लिया आपने बाहर? एच पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास रह गया? कार्बन के पास, ही तो बोला हमने। तो ये इलेक्ट्रॉन अब कहां जाएगा? क्या ये समझ में आया आपको? और यहां क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। तो दिस इज CH3 नेगेटिव, इस तरह हम बोल सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? 1, 2, 3, पहले देखिए, 4+3+1, क्लियर हुआ? हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसके अंदर। sp3 होगी तो बेटा शेप किस तरह की होती है? टेट्राहेड्रल की तरह। ज्योमेट्री जो होगी, शेप में और ज्योमेट्री में फर्क है बेटा। शेप होती है एक्चुअल ज्योमेट्री को बोलते हैं वहां। Ab4 की क्या ज्योमेट्री है? Ab5 की पढ़ा था ना हमने। अब कार्बन H यहां पर क्या आएगा? लॉन्ग पेयर। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, पर शेप क्या है? पिरामिडल शेप है। क्या होगी इसकी? पिरामिडल शेप। बॉन्ड एंगल इज लेस देन 109 डिग्री, 28 मिनट, उससे कम होगा। क्लियर बेटे? अब देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। अभी यहां 1s2 भी है। टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5, 10। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। नहीं समझे? तो टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे CH3 नेगेटिव में? टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी? 10। और वैलेंस शेल में कितने पेयर्ड होंगे? 6। बोलो 6 बेटा। 2, 2, 4, 2, 6, ये भी तो लोन पेयर की तरह काम कर रहा है, ये तो पेयर्ड है। कितने होंगे? 8 होंगे, 8 होंगे। समझ गए बात? ठीक है ना। ओके, तो कोई भी अनपेयर्ड नहीं है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो काम किसका करेगा? लेविस बेस का या एसिड का? बोलो बेस का, या न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। तो पहली बात क्या है? ये डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक बोलोगे
बिहेव एज ए लेविस बेस और सिंपली क्या बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल. दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन आयन. एनी डाउट बढ़िया ठीक है चलो नेक्स्ट बेटे क्लासिफिकेशन है तो कर लेना. क्लासिफिकेशन बिल्कुल सिंपल है भाई क्या जस्ट लाइक प्राइमरी कार्बोटेन प्राइमरी सेकेंडरी कार्बोटेन टर्शियरी कार्बोटेन था ना ऐसे ही है. दिस इज प्राइमरी कार्बोनाइन कार्बेनाइन सेकेंडरी कार्बेनाइन एंड दिस इज टर्शियरी कार्बेनाइन. ठीक है बेटा आगे फिर स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन हो गया पिरामिडल शेप. हाँ जी एक ध्यान देना रेजोनेंस वाले केस में मैं एक बार वो करा देता हूं बेटे आपको. जहां पर नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व हो जाए किसमें रेजोनेंस में वहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी. यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp2 होगी. क्यों ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व तभी हो पाएंगे जब ये क्या होगा प्लेनर. ध्यान है नहीं है तो इसको क्या ज्योमेट्री करनी पड़ेगी sp2 ज्योमेट्री करनी पड़ेगी. तो इस चीज का ध्यान रखें ठीक है. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp2. बाकी में क्या रहेगा जैसे इन सब में क्या है sp3 इसमें क्या है sp2. क्लियर है ओके चलो अब बात करेंगे बेटे स्टेबिलिटी की. जो क्वेश्चन हमने कार्बोकैटायन में किए थे उनका उल्टा ऑर्डर करना है. देखो रेजोनेंस कौन कौन से फैक्टर हैं पहले बात कर लेते हैं. जैसे बेटे ये था चार्ज नेगेटिव है मैंने एक्स ग्रुप लगाया एक्स इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन बेटे अपनी तरफ खींच रहा है तो क्या होगी इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा. ये देखिए तो एक्स है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दैट इज हैविंग विच इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट. इससे क्या हुआ चार्ज डिस्पर्शन स्टेबिलिटी इंक्रीज. एनी डाउट इसका उल्टा कर दो बेटे. अब क्या यदि एक्स क्या हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो दैट इज विच इफेक्ट प्लस आई. अब क्या होगा चार्ज सेपरेशन बोलो बोलो सेपरेशन स्टेबिलिटी डिक्रीज. क्लियर हुआ तो इस चीज का ध्यान रखें. ये है बेटे फिर एरोमेटिक सबसे आगे ले आएंगे फिर रेजोनेंस भी है बेटे फिर हाइपर यहां हाइपर कंजुगेशन नहीं है इसको हटा देते हैं ठीक है. और कौन इंडक्टिव इफेक्ट सबसे आगे एरोमेटिक फिर रेजोनेंस फिर करें सर क्वेश्चन ठीक है. अब सबसे पहले तो यही कर लो जो मैंने अभी लिखा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी. CH3 ग्रुप लगा दिए बेटे साथ ठीक है. यहां पर देखो एक एल्काइल ग्रुप यहां दो एल्काइल ग्रुप और यहां पर तीन एल्काइल ग्रुप लगा दिए. इलेक्ट्रॉन इनका क्या इफेक्ट होता है बेटे प्लस आई तो इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे इसकी तरफ चार्ज क्या आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव. यहां पर भी अब यहां इन तीनों पर आ जाएगा. इसको क्या बोलोगे चार्ज सेपरेशन या डिस्पर्शन सेपरेशन चार्ज सेपरेशन अलग अलग चार्ज आना मैक्सिमम चार्ज सेपरेशन कहां मिला टर्शियरी में नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो चार्ज सेपरेशन क्या हो गया इंक्रीज. स्टेबिलिटी क्या होगी डिक्रीज. हेंस दिस सॉरी दिस इज योर ऑर्डर प्राइमरी मोस्ट स्टेबल टर्शियरी लिस्ट स्टेबल. एनी डाउट चलिए आप एक बार क्वेश्चन करते हैं बेटे सारे मेन. देखो कार्बोकैटायन आप पढ़ चुके हो उसी से रिलेटेड है बेसिक वही बेटे बेसिक कोई चेंज नहीं है ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. और मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे कार्बोकैटायन में ही. बस मैं क्या कर रहा हूं बेटे वहां चार्ज पॉजिटिव था अब मैं चार्ज क्या ले आऊं बोलो नेगेटिव ले आया मैं. चलो
क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? यस सर। नो सर। सोच समझ के यहां पर आया करो, क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? नो सर। लॉन्ग पेयर नेगेटिव, क्या नेगेटिव की तरफ कभी एरो गई गई आज तक? बताया मैंने कभी भी? तो रेजोनेंस पॉसिबल है यहां पर? नो सर। नो, समझ गए? यस। नो रेजोनेंस यहां तो है नहीं, यहां भी नहीं। अब सिर्फ कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? इंडक्टिव। NS2 का क्या इफेक्ट होगा, माइनस आई या प्लस आई? प्लस आई। क्यों? कौन सा? प्लस आई। प्लस आई बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर इट विल शो प्लस आई इफेक्ट। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस है? मोर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटर, फिर कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? माइनस आई। क्लियर है? तो इट विल शो व्हाट? माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। सबसे ज्यादा यहां कम और कम, एंड सो दिस इज योर, बोलो, माइनस आई इफेक्ट विल इंक्रीज स्टेबिलिटी। ठीक है? अच्छा बेटा, नेक्स्ट देखो। हाँ जी, परसेंटेज एज करेक्टर, ठीक, कितना है? 50, यहां कितना है? 33, यहां कितना है? 50। एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, yes, तो क्या इंक्रीज होगा? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो कौन सा इफेक्ट इंक्रीज बोलोगे, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। तो हम ये कह रहे कि माइनस आई इंक्रीज हो रहा है। yes, तो दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बन में वो उल्टा था। कार्बन में रिवर्स। ठीक है? ओके, चलिए। चलो ये तो खैर आसान है बेटे, फ्लोरीन का दे रखा कोई एग्जांपल हमने। हाँ, अब ये है बेटे, जैसे यहां दे दिया F, यहां दे दिया Cl, यहां दे दिया बेटे Br, और बेटा यहां दे दिया I। क्या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हां, 1 2 3 4। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्लियर? यस सर। क्या हो रहा है? माइनस आई इफेक्ट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अच्छा, अब ध्यान से, अब डायरेक्ट जोड़ दिया मैंने बिल्कुल इसी कार्बन पर। देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को, ये रेजोनेंस के चांस लग रहे हैं? देखो, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, मैंने कराया था रेजोनेंस में एक बार यू कि ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन अपना ऑक्टेट एक्सटेंड नहीं कर सकता। सेकेंड पीरियड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो इसके पास ऑलरेडी हैं। अब बताओ ये कौन आएंगे यहां पर? नहीं आएंगे। यहां भी 8 हैं पर ये ले सकता है, क्यों? ऑक्टेट गोज एम्प्टी ऑर्बिटल, इसके आउटर मोस्ट में 18 आ सकते हैं टोटल। वैसे तो कॉन्फिगरेशन क्या है इसकी? 3s2 3p5, बट 3d इज वेकेंट, ले सकता है इलेक्ट्रॉन, यहां भी ले सकता है, यहां भी ले सकता है, यहां 3d है, यहां 4d है और यहां 5d है। तो इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, तो मैक्सिमम स्टेबल सेकंड यहां नहीं हो पाएगा बेटे इतना। क्लियर? अब फिर नंबर आ जाता है इसी का, क्यों? रेजोनेंस तो नहीं हो रही है पर फ्लोरीन क्या है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फर्स्ट देन थर्ड देन फोर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, समझ गए? यस सर।
ये नेगेटिव चार्ज के साथ कार्बन है, वहां यदि जुड़ा है तो सिर्फ कौन सा फैक्टर लगाओगे? माइनस आई इफेक्ट। डायरेक्ट जोड़ दिया तो क्लोरीन में दोनों इफेक्ट है, माइनस आई भी ठीक ठाक है इसका और रेजोनेंस भी आ गई, दोनों इफेक्ट जुड़ गए तो सबसे आगे आ गया ये इधर, बोलो ओके चले आगे। अच्छा बेटे ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको कार्बन के टेन में, सिर्फ फर्क क्या था, वहां चार्ज पॉजिटिव था और यहां चार्ज नेगेटिव है। बोलो थर्ड आदित्य आंसर सर थ्री ए थर्ड ये एफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोलो थ्री टू बोलो बोलो शाबाश टू टू वन फोर राइट आंसर बोलो सर थ्री क्यों आएगा सबसे आगे, दोनों बिल्कुल नजदीक हैं, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज स्टेबिलिटी, उसके बाद क्लोरीन नजदीक है, इसमें क्लोरीन नजदीक है, ये दोनों दूर है, दैट्स ऑल ठीक है। चलो CH3 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 देखना एक बार, ये CD3 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 ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है? ड्यूटेरियम CH3 का CD3 का CD3 का प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज स्टेबिलिटी, सो बोलो yes, ठीक है चलो। इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, क्या रेजोनेंस पॉसिबल है? नो सर। तो सिर्फ कौन सा इफेक्ट लगाओगे? इंडक्टिव। कौन सा, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। माइनस आई, सो ड्रॉप स्टेबिलिटी इज दिस, एनी डाउट? नो सर। अब इसमें देखना ध्यान से, हाँ जी क्या यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है? यस सर। ओके इधर इधर नो सर। व्हाट्स ऑर्डर? 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। देखो इसमें तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी है, साथ के साथ इसमें रेजोनेंस भी है, तो दिस इज योर ऑर्डर ठीक है। एक जैसे एक क्वेश्चन था बेटे, वहां भी किया था हमने, देखो डिस्पर्शन जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, रेजोनेंस यस रेजोनेंस यहां भी है, रेजोनेंस यहां भी है, यानी ये नेगेटिव चार्ज यहां भी फैल जाएगा, यहां भी ये इधर भी फैल गया, यहां भी फैल गया, तो मैक्सिमम डिस्पर्शन कहां हो गया? थर्ड। फिर कम से कम सेकंड, सबसे कम फर्स्ट, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एंड डाउट? यस सर। पक्का? यस यस सर। बंद करो बेटे सेवन सारे बार्स, दिस वन ठीक है, देखते चलो। ठीक है एंड
एक ये है और एक ये है, बताओ ऑर्डर का बोलो 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 आंसर बोलो। फोर्थ सबसे आगे आएगा क्या? पहले वाले में रेजोनेंस है, सॉरी लास्ट वाले में? नो सर। पक्का है ना? यस सर। इसमें नो सर रेजोनेंस कहीं किसी में भी नहीं है। नहीं, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें है? फोर्थ। बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो फोर्थ सबसे आगे, आगे फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, दैट्स ऑल। ओके चलिए ये देखो, थ्री वन टू, ना थ्री वन टू वन, थ्री टू वन, ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। ये नॉन एरोमेटिक। ये एरोमेटिक। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दैट इज दिस इज एंटी एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक एंड दिस इज एरोमेटिक एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज। कर लेंगे? हाँ बेटे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझे, ठीक है? मैक्सिमम चार्ज जितना डिस्पर्स होगा उतनी ही स्टेबिलिटी इंक्रीज, बोलो इंक्रीज, इंक्रीज होगी, ये मानते हो? यस सर। ठीक है, अब रेजोनेंस, या ये नेगेटिव इधर भी फैल गया, ये नेगेटिव इधर भी फैल गया, क्या यहां इसमें दोनों तरफ फैल रहा है? यस सर। बोलो, यहां भी डिस्पर्स हो रहा है, यहां भी डिस्पर्स हो रहा है, इसकी मौज हो रही है बेटा पूरी, इधर भी फैल गया, इधर भी फैल गया, दोनों साइड फैल गया, ध्यान रखा करो। अब यहां इजिली फैल रहा है, क्या यहां इजिली है? नो सर। बोलो। नो सर। क्यों? क्रॉस कंजुगेशन, इसने ये भी इन्वॉल्व हो गया, ये अब देखो ऑक्सीजन आ गया कॉम्पिटिशन में, मैं भी फाइट करूंगा अभी, यहां ये इसका अपोज करेगा, इसको यहां फैलने से रोकेगा, क्लियर हो गया? अब यहां पर प्लस आई इफेक्ट भी है, या यू कह लो ये कम इलेक्ट्रिक हो, रेजोनेंस यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, पर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये कम है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सीएस3। बोलो। आंसर फर्स्ट सेकंड थर्ड। यस सर। मैक्सिमम यहां डिस्पर्सन, यहां भी डिस्पर्स हो रहा है पर थोड़ा सा कम, पर यहां तो बिल्कुल फुल्ली फाइट में आ गया ऑक्सीजन इसके साथ कि मैं तेरे को डिस्पर्स नहीं होने दूंगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना? चले आगे। ओके, लाइकवाइज बेटे, जैसे एलाइल कार्बेनाइन था या बेंजाइल कार्बेनाइन था, वो भी हम चेक कर सकते हैं। This is your allyl. ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, बोलो कोई डाउट? No, sir. Due to resonance. ऐसे ही आसान बेटा, बिल्कुल ये था due to resonance. कर लेंगे? Yes, sir. या कराने की जरूरत है कि बताओ क्या? No, sir. अब ये allyl से ज्यादा stable. बोलो इनोवेशन कर लिया? यस सर। ठीक है, ओके अच्छा बेटा, फिर बेंजीन वाला ले ले किस को? जितनी ज्यादा बेंजीन अटैच होंगी उतनी स्टेबिलिटी, बोलो उतनी ज्यादा डिस्पर्शन होगा उसका। अब क्या हो रहा बेटे, यहां एक ही बेंजीन रिंग में डिस्पर्शन होगा, यहां पर दो में भाग जाएगा ये, यहां पर देखो सबसे ज्यादा इसकी मौज कहां है? जब इसके साथ तीन बेंजीन रिंग जुड़ गई जाके,
इसको सुकून मिल गया, क्यों मिल गया भाई, फैल गया चार्ज, तीनों बेंजीन में फैल गया, यहां दो में फैल रहा है, यहां एक में फैल रहा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज। एनी डाउट शो? ओके, वही क्वेश्चन ध्यान से, बोलो फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट। व्हाई? बिकॉज़ बड़े ग्रुप आगे हो, उसमें कौन सा इफेक्ट है? स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस। शॉर्ट में क्या बोलोगे? SIR। ये इसको क्या करेंगे? आउट ऑफ प्लेन कर देंगे, तो ये इजिली यहां पर डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, यहां हो जाएगा, सो दिस इज स्टेबल। एंड आउट? नो सर। ओके, वन मोर क्वेश्चन, हां जी बेटे, दिस इज एरोमेटिक? नो सर। इसमें कोई डाउट है एरोमेटिक होने में? No, sir. बोलो no, sir. एरोमेटिक नहीं है? यस सर। फिर बोलना करो, दिस इज? यस सर। दिस इज? नो सर। क्या फिर? एंटी एरोमेटिक। दिस इज? नॉन एरोमेटिक। एटलीस्ट थर्ड को ले जाओ पीछे सबसे। यस सर। फिर फोर्थ। अब ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, फर्स्ट में रेजोनेंस है, ज्यादा रेजोनेंस है फर्स्ट में। नो बेटे, यहां क्या बताया था मैंने, यहां जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन से भी तो घूम सकते हैं। पर यदि यहां ये घूमा बेटे, यहां पर रेजोनेंस इसकी वजह से ही है, यहां तो उसको घूमना ही पड़ेगा, मजबूरी है, समझ गए मेरी बात? तो एरोमेटिक ये बेटा सेकंड आ गया, और फर्स्ट पीछे ध्यान रखो चीज़ को। भाई एक बात बताऊं ना, यदि इलेक्ट्रॉन बेंजीन के यू घूमने लग जाए, और घूमते भी ऐसे यही घूमे, तो एक बात तो यदि ऐसे ही आपका डिलोकलाइजेशन हो गया तो क्या ये डिस्पर्स हो पाएगा? नहीं। पर बेटे इसको तो डिस्पर्स होना ही है, या यूं लगा लो, देखो नेगेटिव ये इधर आ गया, ये इधर, ये तो यहां चार्ज नेगेटिव, तो इस तरह क्या हो जाएगा? समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, अब हम बात करेंगे बेंजीन वाले। ठीक है, चलो भाई शुरू हो जाओ। क्या ध्यान रखना है? प्लस आर इफेक्ट डिक्रीज स्टेबिलिटी, माइनस आर इफेक्ट इंक्रीज। जैसे माइनस आई ने क्या किया था? इंक्रीज किया था, तो माइनस आर भी इंक्रीज करेगा। प्लस आई ने डिक्रीज, तो प्लस आर भी डिक्रीज। ओके चले, सी एस टू तो ये बेटे एक वहां क्वेश्चन किया था हमने, देखो NS जुड़ गया, OCS3 जुड़ गया, CS3 CL, यहां है CHO, यहां पर है CN, यहां पर है NO2। इफेक्ट बोलो NS2 का? प्लस आर सर। नेक्स्ट आदित्य? प्लस आर माइनस आर। आप देखो एक काम क्या करो, सी एस थ्री में क्या शो किया करो, हाइपर कंजुगेशन बोल दिया करो, उसकी वजह से प्लस आर, यानी वीक है इसका प्लस आर। ठीक है ना, इसमें प्लस आर सीएल, बोलो माइनस आर, प्लस आर बहुत वीक है, छोड़
हैलोजन में प्लस आर मानना ही नहीं है, क्या मानोगे? माइनस आई। इसका बोलो माइनस आर। माइनस आर माइनस आर। इसका माइनस आर। इसका माइनस आर। माइनस आर। अब ये तीनों, ये चारों इसलिए अनस्टेबल है, और ये इससे कम। अब बोलो इन चारों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? सेवेंथ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, बोलो सेवेंथ। देन उसके बाद सिक्स, उसके बाद फिफ्थ, फिर एट, फोर्थ। तो सेवन सिक्स फिफ्थ फोर, उसके बाद एट एट। देन प्लस आर सबसे भी किसका है? CH3। बोलो थर्ड। ये तो इलेक्ट्रॉन देकर शो कर रहे हैं, क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं, इसलिए इसका प्लस आर वीक है। अब बोलो कौन आएगा? थर्ड। फिर फर्स्ट, सेकंड। सोच के बोलो। सेकंड। बोलो सेकंड। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए उसका प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बेटा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इजिली नहीं दे पाएगा, इसलिए इसका प्लस आर इफेक्ट कम होगा। बोलो ठीक है, ऑर्डर आ गया समझ में? चले अभी चलो और देखिए। अब ग्रुप्स को लिखते चलेंगे बेटे। हमने लगा दिया बेटे OCH3 ग्रुप, OCH3, 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 या चाहे आप लगाओ NS2 या लगाओ OH, बात एक ही है। बाद में मैंने ये समझाया तुम्हें, क्या इफेक्ट इनका? प्लस आर एंड माइनस आई। यहाँ पर सॉरी बेटे, अरे यहाँ नहीं लगाओगे? यस सर। सारे ऑर्थो पे लगवा दिए। अब बोलो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। माइनस आई यहाँ पर, प्लस आर एंड माइनस आई। एक बात बताओ, सेकंड और फोर्थ बाकी दोनों से कम स्टेबल होंगे, क्यों? प्लस आर शो कर रहे हैं। तो सबसे आगे कौन आएगा? थर्ड। फिर फर्स्ट। देन फोर्थ। फोर्थ बोलो बोलो सेकंड। मैंने क्या समझाया था बेटे? माइनस आई स्ट्रॉन्ग। जब ऑर्थो और पैरो को कंपेयर करना हो, दोनों में प्लस आर है, अब भूल जाओ उसको। जब ऑर्थो या पैरा कंपेयर करना हो, प्लस आर ना कभी स्ट्रॉन्ग होता ना कभी वीक होता, यदि बराबर ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि ये OCH3 नजदीक तो इसका प्लस आर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसका वीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्लियर हुआ है? अब कौन सा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। अब कौन आएगा? सेकंड। देन फोर्थ। बोलो ठीक है। चलिए सेम विद NS2, सेम विद योर OH। अब लगाया मैंने CH3। आदित्य प्लस आर या माइनस आर? बोल प्लस आर। एंड प्लस आई। प्लस आई प्लस आई यहां पर, प्लस आई यहां पर, प्लस आर एंड प्लस आई। क्लियर इतना? यस सर। तीनों की स्टेबिलिटी से कम है। यस यस सर। तो फर्स्ट सबसे आगे। अब सुनो, ये दो से मिलकर घटा रहे हैं, इसने सिर्फ एक से। अब कौन आएगा? थर्ड। अब फिर आ जाओ, अब आपको इसको इसको कंपेयर करना है ना, तो अब इसको भूल जाओ, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंड नहीं होता, ओनली कौन होता है? इंडक्टिव। या इंडक्टिव प्लस आई ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम। बोलो इंडक्ट। ठीक है। अब यही ग्रुप्स यदि आपके
मैं यहां ले आऊं CH3, यहां ले आऊं CH2CH3, यहां ले आ बेटे मैं अब CH3H CH3, एक बार और ग्रुप ले आते हैं इधर, सबसे ज्यादा अपन सा कौन सा करेगा लास्ट बोलो फिफ्थ हाउ क्या सोच के जवाब दे रहे कार्बो का टेन में यही क्वेश्चन आया था बेटे मुझे ये बताओ CH3 ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करता है किसकी वजह से तो तीन हाइड्रोजन है ना तो मैक्सिमम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इसके पास दो हाइड्रोजन है इसके पास एक इसके पास नहीं तो यहां जब आप जा रहे हो तो प्लस आर क्या हो रहा है इसमें तो सिर्फ क्या है नहीं समझे इन प्लस आई यहां भी है यहां भी है यहां भी वो भी मान लिया है यानी प्लस सेकंड थर्ड फोर्थ में तो प्लस आर भी है और प्लस आई भी है लास्ट में सिर्फ प्लस आई है तो इसके स्टेबिलिटी सबसे अब बोलो देन 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 क्लियर है अब इसको ले आओ मेटा पर मेटा पे सिर्फ क्या रहेगा अब प्लस आई क्या होगा इंक्रीज इंक्रीज देयरफॉर स्टेबिलिटी इंक्रीज ओके दिस इज योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी एंड आउट आंसर को थोड़ा सोच समझ के दिया करो देखा करो बेटे कहां प्लस आर है कहां माइनस आर है चलो अच्छा ये होता तो CH2 नेगेटिव CH3 CD3 ये प्लस आर शो करेगा बोलो ये बोलो हेंस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज दिस इसने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करना है इसने शो नहीं करना क्लियर है तो यहां सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है यहां पर दोनों इफेक्ट है प्लस आर भी आ गया और प्लस आई भी आ गया यही मैं आपको यदि मेटा पर जोड़ देता तो कोई चांस नहीं था आप किसका प्लस आर का कोई चांस है अब सिर्फ क्या मान लोगे इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है CD3 बोलो इसका प्लस आई ज्यादा है इसका कम तो ये कर दो हाँ जी नेक्स्ट देखो बेटे अब ले आए आप NO2 बोलो क्या इफेक्ट है माइनस आर और माइनस आई तो यहां माइनस आर भी माइनस आई भी यहां यहां माइनस आर माइनस आई ठीक है तीनों इससे ज्यादा स्टेबल होंगे तो फर्स्ट को सबसे पीछे ले जाते हैं ये दो इससे तो यहां ले आऊं अब बोलो अब फिर आपको और थोड़ा पैरा कंपेयर करना है ना भूल जाओ अब किसको देखना है सिर्फ माइनस आई को अब बोलो कौन आएगा सेकंड देन फोर्थ देन थर्ड देन फर्स्ट ठीक है अब यदि यहां पर ले आता हूं CL ग्रुप CL consider only minus I effect no plus R so order of stability 2, 3, 4 करो second third fourth first ठीक है yes sir अच्छा बेटे यदि यहाँ ये हो जाता यहाँ लगा दिया F यहाँ लगा दिया CL यहाँ लगा दिया BR एक और लगा दूंगा I फिर स्टेबिलिटी 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5,
5 1। क्लियर है? यस सर। कंसीडर ओनली इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा है? माइनस आई। अच्छा बेटे, आ रही समझ में? नहीं? यस सर। है? यस सर। देखो ध्यान से, CH3 कार्बोकैटायन वाला इक्वेशन है सारे, बता दो ना। वो तो वहां पॉजिटिव था या नेगेटिव है, बोलो क्या शो करेगा? प्लस आर एस। ये करेगा शो? यस सर। यस सर। ये? यस सर। ये? यस सर। तो कौन सा शो करेगा? माइनस आर एस। फिफ्थ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसके साथ। फिर फोर फर्स्ट। हां फर्स्ट फर्स्ट। इन तीनों में क्या है? प्लस आर। प्लस आर। माइनस आर सबसे आगे ले आए। अब कौन आएगा? फर्स्ट। फर्स्ट। फिर फोर्थ। फोर्थ। फिर थर्ड। फिर सेकंड। दैट्स ऑल। क्लियर है? यस। प्लस आर क्या होता जा रहा है? वीक। सीएल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में जुड़ गए, ठीक है ना? चले आगे। यस। और देखो जी बेटे, CHO CO CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और एक और था बेटे, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कार्बोकैटायन में कराया था, ठीक है? सभी का माइनस आ रहा है, बोलो है नहीं? ऐसा नहीं होगा सब में, मैं एक करके दिखा रहा हूं। यस सर। यस सर। खींचेंगे इलेक्ट्रॉन? ठीक। तो बेटे फर्स्ट को तो ले आऊं मैं सबसे पीछे घर, यदि ऐसा है तो। यस। इसमें से कौन स्ट्रांग है? सेकंड। सेकंड। सेकंड और थर्ड? सेकंड। सेकंड कम कर रहा है, देखो। यस सर। यहां भी इसने क्रॉस क्रॉस कोएफिशिएंट कम कर दिया, जो क्योंकि ये कंपटीशन कर कर गया ना बेटे यहां से। इसने कम किया, इसने और ज्यादा कम किया, नहीं समझे? ओके अब यहां जाओ, ये यहां आया था साथ के साथ, ये भी कंपटीशन में है, पर ये भी खींच रहा है बेटे इसके इलेक्ट्रॉन, इसने भी खींच लिए इलेक्ट्रॉन। इसमें से और इसमें से ज्यादा कम कहां हुआ? नीचे फिफ्थ। बोलो माइनस आर, समझो मेरी बात बेटे, यहां तो सारा जोर लगा दिया ना ऑक्सीजन ने, पर जितना ऑक्सीजन के पास जोर था सारा का सारा लगा दिया इसका कम करने में, पर यहां ये इलेक्ट्रॉन लेके आए थे इधर, पर ये ग्रुप और आ गए, इसने इस ऑक्सीजन का ध्यान बटा दिया, भाई तू मेरी तरफ भी आ जा, मैं भी हूं, बात समझे? इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए इधर भी, तो इस ऑप्शन का ध्यान यहां कम हो गया थोड़ा सा, बोलो। यस सर। तो सबसे ज्यादा कहां घटा? फोर्थ। फोर्थ में। यस सर। फिर फिफ्थ। फिफ्थ में। फिर थर्ड। थर्ड में, नहीं समझे? यस सर। तो सेकंड, बोलो थर्ड, देन फिफ्थ, नहीं समझ में आया? यस सर। मैक्सिमम माइनस आर है सेकंड में, फिर है थर्ड में, फिर फिफ्थ में, सबसे कम है फोर्थ में, क्लियर? चलो अच्छा और देखो, अब आपसे पूछ ले, सही क्वेश्चन दिया हुआ बेटे, खैर आ गए पहले, ले चुके वैसे तो, कौन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट सेकंड। हां फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड एज पॉसिबल है?
नो सर यहां है यस सर ड्यू टू एम्प्टी ऑर्बिटल कौन से 3d मोस्ट स्टेबल ठीक है अच्छा ऐसे ही कुछ नोट बेटा देखो CH3 SiH3 यहां भी ये हुआ सिलिकन कार्बन के नीचे आता है कार्बन सिलिकन इसमें भी 3d वैकेंट है तो यहां भी ओवरलैपिंग हो जाती है तो ये भी इससे ज्यादा स्टेबल है बोलो क्लियर हो गए अब एक बार ओवरऑल ऑर्डर दे दें क्या होगा है बेटे यस सर देखो ऑर्डर जो मैंने लिखा है मोस्ट स्टेबल ये रहा बेटे सबसे ज्यादा स्टेबल इसी की वजह से ये एरोमेटिक है तो मोस्ट स्टेबल फिर विद 3 बेंजीन रिंग इससे ज्यादा स्टेबल है बेटे देखो ना ठीक फिर 2 बेंजीन रिंग एंड देन 1 बेंजीन रिंग ओके उसके बाद है दिस वन बोलो कोई डाउट हो तो ठीक है फिर ले आए CH2 डबल बॉन्ड दिस वन फिर बेटा CH3 नेगेटिव फिर दिस वन बता दो इसमें कोई डाउट हो तो एंड देन बोलो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक लिस्ट स्टेबल रेजोनेंस अब इसमें रेजोनेंस परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है CH3 नेगेटिव यहां प्लस आई इफेक्ट है स्टेबिलिटी घट जाएगी यहां 2 प्लस आई इफेक्ट यहां 3 दैट्स ऑल योर ऑर्डर एनी डाउट नो सर श्योर यस सर प्रैक्टिस करो कौन प्लस आर शो कर रहा है कौन माइनस आर आज तुम कंफ्यूजन में थे ना किसका स्ट्रॉन्ग है किसका वीक है उसको देखो बेटे तभी तो मैं कह रहा हूं कि रेजोनेंस कितना इंपॉर्टेंट है अभी तो ऑर्गेनिक शुरू भी नहीं हुई है काम की जीओसी चल रही बेटे अभी तो रिएक्शंस पार्ट तो शुरू भी नहीं हुआ अभी वहां तो इनका फ्रीक्वेंटली यूज होगा क्लियर ओके चलिए बेटे आज का लेक्चर फिर हम यहीं तक करते हैं कार्बोनेट टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे विद फ्री रेडिकल ओके बेटा तो ऑलवेज बी हैप्पी बी हेल्दी थैंक यू वेलकम